इस साल ब्लैक होल की पहली रियल इमेज दुनिया के सामने आई। इस इमेज के कारण ब्लैक होल हर जगह चर्चा की वजह बन गई। हाल में हमारे सबसे करीब ब्लैक होल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ब्लैक होल फिर से चर्चा का विषय बन गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। हमारे सबसे करीब ब्लैक होल सजिस्टेरियस ए, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है, जिसे 1974 में खोजा गया था और तब से ही उस ब्लैक होल पर नजर रखी जा रही है। ये ब्लैक होल भी दूसरी ब्लैक होल की तरफ बिहेव कर रहा था, मगर जब इसे ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि ब्लैक होल अचानक 75% ज्यादा चमकीला हो गया है। वैसे ब्लैक होल की चमक समय के साथ बदलती रहती है, मगर इस बार ये ब्लैक होल 75% ज्यादा चमकीला हो गया, मगर ये चमक सिर्फ 2 घंटे तक रही। इसके बाद ब्लैक होल की चमक फिर से नॉर्मल हो गई, मगर इस 2 घंटे ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट को चौंका दिया क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्लैक होल तो ब्लैक होता है और उससे लाइट भी बाहर नहीं आती, तो फिर ब्लैक होल कैसे चमकीला हो सकता है? उनका कंफ्यूज होना जायज है। जब भी हम ब्लैक होल कहते हैं तो हमारा मतलब होता है ब्लैक होल के एक्सरे इंडेक्स से, जहाँ हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर और फ्रिक्शन के कारण हाई टेम्परेचर होता है, जो इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी रिलीज करती है, जिसके कारण हमें वह जगह चमकीली नजर आती है। और हाल में एक्सरे इंडेक्स में ज्यादा चमकीला हो गया था। हालांकि ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि किस वजह से ब्लैक होल ज्यादा चमकीला हो गया, पर कुछ साइंटिस्ट की राय है कि 2018 में ब्लैक होल के पास से एक मैसिव तारा H2 गुजरा था। हो सकता है ब्लैक होल ने उस तारे को अपने ओर खींच लिया हो, जिस वजह से एक्सेलरेशन इंडेक्स में मैटर ज्यादा हो गया और वह 75% ज्यादा चमकीला नजर आने लगा। वैसे वजह कुछ और भी हो सकती है जिसके बारे में हम अनजान हैं। वैसे भी अंतरिक्ष में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें चौंका देता है। इसमें रिसर्चर ने अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया था। उन्होंने इसके साथ एक छोटी वीडियो भी शेयर की थी, जो मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या इस जलते हुए ब्लैक होल से धरती को कोई खतरा है, तो उन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया, पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है और हमें इस फायरवर्क से डरना नहीं बल्कि एंजॉय करना चाहिए। हे गाइस, अगर आप साइंस और टेक से रिलेटेड न्यूज जानने में इंटरेस्टेड हैं, या आप अपने आसपास के इवेंट्स देखकर ये सोचते हैं ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, तो थिंकिंग माइंड चैनल आपका स्टॉप पॉइंट है। आपको इस चैनल में एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेंगे जो आपको किसी दूसरे इंडियन साइंस चैनल में नहीं मिलेंगे। तो आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।